हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी हो रही है सुबह। गाइस पिछले दो दिन से गुड़गांव में इतनी भयंकर बारिश आ रही है भाई साहब, कोई बाहर ही नहीं निकल पा रहा भाई। ये देखो भाई गलियों का क्या हाल हो गया, पूरा पानी भर गया है। तो भाई अभी हमने प्लान बनाया कि पहाड़ पे जाएंगे और मस्त खाना पीना बना के खाएंगे। ये देखो भाई साइंस क्या कर रहा है, इसने भाई ट्रक बना दिया और भाई ट्रक के ऊपर देखो थार कितनी भयंकर बनाई है भाई। इसका साइलेंसर भी है। ये देखो भाई क्यूब से कितनी मस्त गाड़ी बना दी है और ये देखो भाई गाड़ी को लोड करने वाला ट्रक भी बना दिया, बहुत ही मस्त। तो गाइस अभी जल्दी से विशाल को बुलाते हैं और मस्त पहाड़ पे चलते हैं भाई। आप सबसे ऊपर जाके भाई खाना बनाएंगे। बारिश के लिए भाई छतरी का जुगाड़ भी कर लिया है, मस्त मजे आने वाले भाई। कैंपिंग के लिए तो भाई टेंट चाहिए मस्त वाला, टेंट है नहीं हमारे पास। थार की छत पे टेंट लगवा ले जिसमें सो भी सकते हैं। भाई हमने तो ऐसा एवेंजर देखा नहीं, शायद ने पता नहीं कहां से देख लिया भाई। गाइस बारिश बहुत तेज हो रही है इसलिए भाई सूखी लकड़ी तो मिलेगी नहीं, तो हमारे स्टोर रूम में ना कुछ कोयला पड़ा है, ये कोयला ले लेते हैं। इस कोयले से ना ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, जल्दी बन जाएगी भाई मैगी। तो गाइस अभी मस्त कोयला भी ले लिया है। ये देखो भाई अमीर लोग आ गए भाई साहब, सो के आईफोन वाले अमीर लोग भाई। फाइनली भाई विशाल ने भी आईफोन ले लिया भाई। अब आएंगे ना भाई तगड़े तगड़े व्लॉग, अब आएगी क्वालिटी तगड़ी। देख रहे हो भाई बारिश का हाल, पूरा गुड़गांव भर गया भाई पानी से। पर बारिश का ये फायदा हुआ भाई गाड़ी चमक गई हमारी पूरी मस्त। तो गाइस अभी आ गया गाड़ी में, ये देखो हन्नी भी आ गया है और भाई आवाज सुन के खैबी भी आ गया है, तो इसे भी पहाड़ पे लेके चलते हैं। भाई शायश और खैबी को ना चीतों के पास छोड़ गए आज। प्लीज एटीवी चला के। अरे पागल आज कीचड़ हो रही होगी वहाँ पे, कीचड़ हो रही होगी आज वहाँ पे, कहाँ एटीवी चलेगी कीचड़ में, चल जाएगी। तू और गंदा हो जाएगा कीचड़ में। चलो तो गाइस जल्दी चलते पहाड़ पे और मस्त चीजें बना के खाते हैं भाई, और आज ऊपर चलेंगे पहाड़ पे। ये देखो भाई साहब क्या हाल हो रहा, नदियां बह रही है नदियां। लेट्स स्विम भाई, अपने गुड़गांव का बुरा हाल हो गया भाई बारिश से। भाई गुड़गांव के सारे फ्लाईओवर में पानी भर गया भाई, 8 नाव मंगाई है भाई डिजास्टर मैनेजमेंट वालों ने। इतनी तगड़ी बारिश की प्रिडिक्शन है, सारे ऑफिस बंद कर दिए भाई, सरकारी वरकारी सब स्कूल बंद। जभी तो घूम रहे हैं, आज की छुट्टी होगी भाई फ्री में। कल भी बारिश आनी चाहिए, कल भी छुट्टी हो जाएगी। देख रहे हो गाइस इसका एग्जाम है कल और यूं कह रहा कल छुट्टी हो जाएगी। तो गाइस अभी कोल्ड ड्रिंक और मैगी भी ले ली है, अब चलते हैं भाई मस्त पार्टी करने। शहर की हवा भी होई साडे वल दी, आज साडे वल दी पता नहीं कल दी। गाइस आपने शोले का सांबा देखा होगा, मगर रियल सांबा दिखाता हूँ मैं आज आपको। ये देखो भाई वो बैठा सांबा, कितने आदमी थे। अब थार करेगी भाई इंटेंस ऑफ रोडिंग, अब की बार रास्ता थोड़ा और डिफिकल्ट हो चुका है भाई थार के लिए। देखो आप तो पीपीएफ भी करवा ली, तो खर्च की दिक्कत ही नहीं है भाई कोई। गाइस ये फायदा भाई थार का, भाई दूसरी कोई गाड़ी नहीं आ सकती यहाँ पे, कहीं घुसा दो भाई इसको तो। अब तो भाई पीपीएफ भी करवा ली, अब तो स्क्रैच का भी डर नहीं है भाई झाड़ी गाड़ियों से। गाड़ी का ब्लैक कलर था, बड़े गंदे स्क्रैच लगते थे। ये देखो गाइस हम कहाँ पे आ गए भाई, कितनी ऊपर पहाड़ पे। गाड़ी देखो कहाँ रहेगी नीचे, खैर भी यहाँ से कूद जाएगा। कूदूंगा तो अड्डी बैग नहीं बचेगी। गाइस मैं कूद के दिखाता हूँ आपको, 1 2 3 देखा कैसे कूदा मैं, कूदा कहाँ नीचे बैठ तो गए। इसे बोलते हैं भाई सस्ता कूदना। गाइस देख रहे हो कितना खतरनाक रास्ता भाई। तो गाइस फाइनली पहुंच गए भाई टॉप ऑफ द हिल, अभी यहाँ पे चूल्हा बनाएंगे और मस्त मैगी बनाएंगे भाई। कह भी एक नंबर मजा आने वाला मैगी बना के। भाई सारा सामान ले आए हैं, अभी करते हैं भाई शुरुआत। बाकी हर बार लकड़ी का चक्कर पड़ता था, वो खत्म कर दिया भाई कोयला ला के, आधा काम खत्म होगा जल्दी बन जाएगा सामान सारा। तो भाई अभी ढूंढ रहे हैं पत्थर जिनका चूल्हा बना सके। तो गाइस आदिवासियों ने चूल्हा तैयार कर दिया भाई। वैसे भाई स्टाइल से पता लगता है कि जोगिंदर ने ना आदिवासियों का स्टाइल कॉपी किया भाई, आदिवासी है वो। शायद देखो भाई कहाँ पे सांबा बन गया, पहाड़ी के पत्थर पे बैठ गया। तो भाई अभी आग लगा रहे हैं भाई, फिर बनेगी वो मस्त मैगी। ये देखो भाई स्ट्रगल ऑफ मैगी मेकर्स, भाई बारिश शुरू हो चुकी है और एक छतरी के नीचे सारे बैठे हैं भाई। भाई देख रहे हो कितना भयंकर मौसम हो गया भाई, सब बादल बिल्कुल नीचे आ गए हैं और यहाँ पे हमारी मैगी भाई तैयार हो रही है अभी भी। स्ट्रगल देख रहा भाई की, ये देखो आदिवासी लोग कैसे बनाते खाना, हन्नी पक्का आदिवासी। बाकी गाइस असली मजा जो पहाड़ पे मैगी बनाने का है ना, वो बारिश में ही है भाई, एक नंबर का मजा आ रहा है। ये देखो भाई क्या मस्त व्यू आ रहा है भाई साहब मैगी बनाने का, तो भाई साहब मजा आ रहा भाई मैगी बनाने में। अगर भाई बारिश खतरनाक शुरू हो चुकी है, अब भीगने वाला काम हो गया, इसलिए हम सारे चलते भाई गाड़ी में। ये देखो भाई देसी कुक मैगी तो बना रहे हैं, मगर साथ के साथ झूठी भी कर रहे हैं उसे। ये मसाला चाट रहा है ये देखो। भूखा भूखा इसमें सब्र नहीं होता। और ये देखो खैबी देख रहा है यहाँ से खड़ा होके। वैसे गाइस देखो क्या मस्त मैगी तैयार हो गई है भाई साहब, एक नंबर भाई। ये देखो भाई थैली चाटने वाले बंदे, तुम्हें कर बना मैं लेके जा रहा हूँ, बड़े पैक बना 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 पैक। ये देखो भाई स्प्राइट पी रहे हैं, मस्त एंजॉय कर रहे हैं भाई, मस्त मौसम बारिश और ये पैक।
गाइस देखो पहाड़ पे बादल आ गया भाई, पूरा फॉग लग गया भाई। मौसम है, बादल है, मैगी है, स्प्राइट है, बस रशन की कमी रहेगी। भाई साहब जो कैंपिंग का मजा है ना, उस जैसा मजा नहीं है किसी का भी। गाइस मैं सोच रहा हूँ थार के ऊपर टेंट लगवा लेते हैं भाई, फिर भाई साहब मस्त लेटा करेंगे उसी में। टेंट लगवा तो ले, पर साइज कई दिन उससे उतरेगा ही नहीं, घर पे भी ये कहेगा चलो भाई टेंट खोलो। वैसे ये बात सही है गाइस, अगर टेंट लग गया ना ये निकलेगा ही नहीं भाई वहाँ से। लगवानी तो भी कर दूंगा। तो गाइस हम आ गए पहाड़ पे और भाई सीन्स कुछ ऐसे हैं। I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great. ये देख लो भाई सब कुछ धुंधला हो गया भाई, बादल बिल्कुल नीचे आ चुके हैं, बिल्कुल कुछ दिख नहीं रहा, धुंधला लगता है, तगड़ी बारिश आएगी अब। मस्त बन गई हमारी मैगी गाइस, कैसा मजा आ रहा है? देर बनने में लगी ना उससे ज्यादा मुझे खाने में आएंगे। इसका मतलब पता चला खैबी को मैगी टेस्टी नहीं लगती। कल मैगी लेकर गया था स्कूल में, टिफिन में एक मैगी भी नहीं बची। अगर ऐसे बुक्कड़ हमारी गली में है ना तो पूरा इंडिया ही खा जाएंगे। तो ये देखो मैगी खैबी से बचा के रखनी पड़ेगी। तो गाइस मैं सस्ते पहाड़ पे खड़ा हूँ, ये देखो सस्ता पहाड़ है, खैबी तो मेरे से भी छोटे पहाड़ पे खड़ा है, ये देखो। सायू लगा प्लेट मैगी गाल 10 किलो। ये देखो गाइस काले बादल आ चुके हैं, अभी हम ना रहे बारिश में। तो भाई एक घंटे के बाद लगभग हमारी मैगी तैयार हो चुकी है भाई। डेढ़ घंटे में मैगी बनी, कौन बोलता 2 मिनट बनती है। भाई साहब इतनी देर से ट्राई कर रहे थे, आग ही नहीं जल रही थी भाई। तो अभी फाइनली मैगी सर्व की जा रही है भाई, अब खाते हैं भाई औसम मौसम के साथ मैगी। तो गाइस ये हमारा पहाड़ है, यहाँ पे पहाड़ी हो रही है, पहाड़ नहीं है अपन का पहाड़ है। तो गाइस मेरी भी मैगी आ गई है। गाइस काश मैं आपको ना कैमरे में से खिला पाता तो आपको स्वाद पता लगता कितनी मस्त लग रही है भाई पहाड़ी पे। पहाड़ी पे खाने का मजा ही अलग है बीड़ू, राइड के साथ तो कुछ अलग ही मजे हैं। और भाई वेदर इतना औसम हो रहा है ना, कभी बारिश आ रही है, कभी बादल हो रहा है, कभी रुक रही है। तो गाइस हन्नी ने तो पूरी भर लिया मैगी, देखो आज पूरे दिन का खाना भी खा लूंगा। तो भाई एक बार की मैगी तो चट कर गए, अभी भाई दूसरी बार की तैयारी हो रही है क्योंकि पेट नहीं भरा एक बार से। तो गाइस दूसरी बार मैगी तैयार हो गई है। तो भाई क्या बताऊं इस मौसम में मैगी खाने का क्या मजा है, ये वाली ज्यादा टेस्टी है। तो गाइस मैगी खा के तो लिटरली मजा ही आ गया। अभी विशाल को भाई ट्यूशन जाना 5 बजे, इसलिए भाई चलते हैं घर और रात को अनबॉक्सिंग करेंगे आईफोन की। पहाड़ पे मैगी बना के तो भाई मजा ही आ गया। होप करता हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बाय, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आज चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाग के। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।